बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 फॉर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। इससे पहले आपने जो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई लाइंस क्या होती हैं, पैरा लाइंस क्या होती हैं। फिर लास्ट टाइम में जो डिस्कस किया था कि भाई लाइंस कैसे डिवाइड होती हैं, सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं, फिर क्वाड्रेंट्स में कौन से पॉजिटिव एक्सिस होता है, कौन सा नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस होता है। तो आज इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसको हमने पढ़ना है, और मेरिडियन लाइंस क्या होती है, और इक्वेटर क्या होता है, फिर हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं, कितने हेमिस्फीयर होते हैं अर्थ के अंदर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही आएगा। स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने बात की थी सर्कल की, हमने डिस्कस किया था कि दिस इज द सर्कल, और इस सर्कल के अंदर वो लाइन जो इसको इक्वली डिवाइड करेगी हाफ में, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सेंटर से हाफ में डिवाइड करता हूँ, तो दिस लाइन डिवाइड्स द सर्कल और अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, दो हाफ में तकसीम कर रही है। एक हाफ क्या है हमारा, ड्रॉ करके देख लेते हैं, एक हाफ ये है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और दूसरा हाफ कौन सा है जो कि ऊपर वाला पोर्शन है। ये मैंने इसको डिवाइड किया था सेंटर से, तो इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ, बराबर के हाफ में तकसीम हो जाता है, और इन हाफ को हम हेमिस्फीयर्स भी कह सकते हैं। इफ आई से इन हाफ द इक्वल हाफ कार्ड एज हेमिस्फीयर, इन दोनों हाफ को हम हेमिस्फीयर्स भी कह सकते हैं, यानी स्फीयर का आधा। तो इफ आई डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, अगर सेंटर से इसको काट, जैसे किलो होता है, किलो को अगर हम सेंटर से यू काटें तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। बॉल को अगर आप सेंटर से काटेंगे तो वो जो एग्जैक्टली जो सेंटर लाइन है वो इसको दो इक्वल हाफ में तकसीम कर देगी। तो एक हाफ हमारा, ये हमारी कौन सी, ये हमारी कौन सी साइड थी, दिस इज आवर नॉर्थ एंड दिस इज आवर साउथ एंड दिस इज आवर ईस्ट एंड दिस इज आवर वेस्ट पोर्शन। जब हमने इसको तकसीम किया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी हमने इसको सेंटर से काटा, ईस्ट से वेस्ट में काटा, तो दो इक्वल हाफ में तकसीम हो गया। तो वो हाफ जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी ये हाफ जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दिस इज दैट हाफ, ये हाफ जो है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये सारा हाफ क्या कहलाएगा, ये भी हेमिस्फीयर है और ये भी एक हेमिस्फीयर है। तो दो इक्वल हाफ में तकसीम हुआ, ये जो ऊपर वाला हाफ है इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि वो हाफ जो कि सेंटर वाली लाइन से साउथ की तरफ जा रहा है ये कहलाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब जो हमारा नॉर्थ की तरफ पोर्शन है और जो हमारा साउथ की तरफ पोर्शन है, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर और इस लाइन से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ को अगर हमने सेंटर से काटा तो इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ, दीस टू इक्वल हाफ मे बी, या दे दीस इक्वल हाफ आर कॉल्ड एज साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जो मेन पोर्शन है बताने का वो ये कि जो सेंट्रल लाइन है जिससे हम अर्थ को दो इक्वल हाफ में तकसीम करें, दिस इज द सेंट्रल लाइन। मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूं, जो सेंटर लाइन है हमारी, ये मैंने सेंटर लाइन को और डार्क कर दिया। जैसे आपने लैडर बॉल देखी होगी, लैडर बॉल का जो सेंटर होता है उसकी जो एग्जैक्टली सेंटर लाइन होती है, अगर उसको आप डिवाइड करें तो दैट इज द सेंटर लाइन। तो ये सेंटर लाइन क्या है, इस द मोस्ट सेंट्रल लाइन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, इसको इसका जो नाम देंगे, जो मोस्ट सेंट्रल लाइन ऑफ अर्थ है उसको हम नाम देंगे इसका
इक्वेटर पर। तो दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर, ये हमारा क्या है इक्वेटर। हमने कभी सुना होगा कि इक्वेटर में जो कंट्रीज होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। इधर क्या है, ये वो सेंट्रल लाइन है जो कि अर्थ को, ये वो सेंट्रल लाइन है जो कि अर्थ को टू इक्वल हाफ में तकसीम करती है, और इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटोरियल रीजंस या इक्वेटोरियल कंट्रीज, तो वो कंट्रीज जो कि इक्वेटर में मौजूद है दैट आर नेम्ड एज इक्वेटोरियल कंट्रीज। और इक्वेटर में मौजूद मतलब वो लाइन जो कि एग्जैक्टली अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर, ठीक है, सर्कल में डिवाइड कर। तो ये ऊपर वाला सर्कल क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला सर्कल क्या कहलाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये लाइन सेंटर ऑफ लाइन यानी इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे दूसरे पास में, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ द स्फीयर आर नेम्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी इक्वेटर से जब आप ऊपर जा रहे हैं, इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ रीजन, ठीक है, द स्फीयर या द हाफ ऑफ द सर्कल इज नेम्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जब हम इक्वेटर से टुवर्ड्स साउथ जाएंगे यानी इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, जो हाफ सर्कल हमारे पास बन रहा है दैट इज नेम्ड एज साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इक्वेटर क्या है, द मोस्ट सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। अगर उसको दो हिस्सों में सेंटर से तकसीम कर दें, बीच में से काट के उसको तकसीम कर दें, तो ये कहलाती है इक्वेटर। तो इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आइए दूसरा देखते हैं, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। सेंट्रल लाइन आपको बता चुका हूं, उस लाइन को कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। अच्छा, एक तो हम काट रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यूं करके सेंटर से काट इक्वल। एक हम काटते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी अगर मैं इस लाइन को कहां से काटूं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ काटा तो अब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। यानी एक पोर्शन आपका कौन सा हो गया, एक पोर्शन हमारा ये वाला हो गया जो इस लाइन से टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, और एक पोर्शन हो गया हमारा इस स्ट्रेट लाइन से जो इस तरफ है जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये जो सेंट्रल लाइन है इस लाइन से इधर वेस्ट, इस लाइन से इधर ईस्ट, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो सेंट्रल लाइन है इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होता है प्राइम मीडियन। कहते हैं पीएमईएम आफ्टर मीडियन और प्राइम मीडियन, इस मीडियन से पहले सूरज कैसे आया था, इस मीडियन के बाद क्या था। दिस इज द सेंट्रल लाइन, इस लाइन को मीडियन कहेंगे। इससे जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो अगेन ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो मैं साफ कर रहा हूं, अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं और इसको मैं हाफ कर दूं, अगेन मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको यहां से काटा, ये हाफ ऑफ द सर्कल और ये आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, इसी तरह को मैं आधा तकसीम कर दिया। अब दिस इज द सेंट्रल लाइन मीडियन, इस तरफ एक हाफ सर्कल बन रहा है और इस तरफ ये हाफ सर्कल बन रहा है। ये दोनों सर्कल जो हाफ सर्कल है, अगेन दिस हाफ सर्कल मे बी रेफर्ड एज हेमिस्फीयर। ये भी क्या है, हेमिस्फीयर, और ये भी क्या है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा कहलाएगा
फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टू ईस्ट, और दूसरा क्या रहेगा हमारा जो प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ, दिस इज टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये क्या रहेगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहां से हमने तीन चार बातें सीखी, मैं लिख के बता देता हूं आपको। हमने इस लेक्चर से चार बातें कि अर्थ को अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक तो सेंटर से काटा जाए, तो सेंटर से काटा जाए तो ये टू इक्वल हाफ में तकसीम हो जाए, तो वी हैव फोर हेमिस्फीयर्स, वी हैव फोर हेमिस्फीयर्स, हमारे पास चार हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बता चुका हूं मैं आपको, हेमिस्फीयर स्टैंड फॉर हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का हाफ, ठीक है, किसी भी बॉल का, किसी गोल दायरे का हाफ जो है वो हेमिस्फीयर कहलाता है। तो हेमिस्फीयर चार चार है हमारे पास, एक कौन सा हेमिस्फीयर है, वो हेमिस्फीयर जब हम बॉल को सेंटर से काट रहे हैं, यू पे यू नहीं काट रहा हूं, लेकिन किनू लेते हैं तो किनू को आप यू भी काट सकते हैं, किनू को आप सेंटर से काट सकते हैं, तो वो किनू जो कि आप सेंटर से काटेंगे तो आपके पास एक शक्ल बनेगी, वो क्या है हमारा, एक तो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा इसकी अपोजिट कौन सा आएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके अलावा दो स्फीयर्स और हेमिस्फीयर्स और मान लेते हैं, वो कौन से थे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और चौथा है हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पर क्या है मैं बता दूं, पर जो दोनों दिए गए, दोबारा बता रहा हूं आपको कि अगर आप जो सेंट्रल लाइन है, यहां पे सेंट्रल लाइन क्या है हमारी, इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से साउथ की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, दूसरा हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न वेस्टर्न क्या होते हैं, ये इसका सेंटर क्या है हमारा, इसका सेंटर है हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन वो लाइन है, प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जो अर्थ को टॉप टू बॉटम यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ इक्वली हाफ में डिवाइड करे, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने सेकंड में किया है, क्योंकि अगर क्यू बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, इसको अगर मैं सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट कर दूं तो वो लाइन जो कि हाफ में डिवाइड कर रही है हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन, किसका और पीएम लाइन, और अगर मैं एक सर्कल लूं और उस सर्कल को सेंटर से काट दूं, ठीक है, एग्जैक्टली तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेटर लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो इक्वेटर लाइन से ऊपर नीचे टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये होगा वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये चार हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर का आपको समझा चुका हूं, अब आगे चलते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो बिफोर गोइंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं आपको बता दूं कि पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, और कल मैंने चीज बताई थी कि कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इफ अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा, हमारे पास अब इस शक्ल में होती, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी लंबी होती है, ये लाइन लंबी क्यों होती है, अगर मैं इसको एक पेज पे लेके आ रहा तो वाई एक्सिस लाइन, अगर सर्कल के अलावा एक पेज पे लेके आ तो दिस इज आवर ईस्टर्न, सॉरी दिस इज आवर वेस्टर्न, वेस्ट एरिया, दिस इज आवर ईस्ट एरिया, दिस इज आवर नॉर्थ एंड दिस इज आवर साउथ, ये कल मैंने आपको बताया। नॉर्थ और साउथ हम कहां तक लेते हैं, नॉर्थ और साउथ हम लेते हैं 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्यों लेते हैं इसकी मैंने आपको रीजन बताई थी, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल नहीं होता यहां से लेकर यहां तक, तो अर्थ बिल्कुल एक राउंड शेप में है,
ठीक है, लेकिन इसके पीछे वाला जो एरिया है वो ओवल शेप्ड है, तो पीछे वाले एरिया को हम नहीं लेते, तो ये 90 और 90 रहेगा। अच्छा, एग्जैक्टली जो नॉर्थ से साउथ पोल की जो लाइन चल रही है ये हमारी कहलाएगी प्राइम मेरिडियन लाइन। अच्छा, वेस्ट से जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे या ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये लाइन मैंने लंबी क्यों ड्रॉ की है, बिकॉज हियर वी हैव 180 वेस्ट, ये आपका 180 होगा, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो बाहर 180 वेस्ट और ये हो जाएगा 180 ईस्ट। सो वी हैव हियर, ये अगर इसको मैं 0 डिग्री मार्क करता हूं। अच्छा, 0 डिग्री कहां से लेंगे, अर्थ का व्हाट वेयर इज 0 डिग्री, इस लाइन को दूसरे अल्फाज में दिस लाइन मे बी नेम्ड एज इक्वेटर, तो ये 0 डिग्री कहां से स्टार्ट होगा, तो 0 डिग्री याद रखिएगा वेयर व्हाट इज 0 डिग्री एट दिस अर्थ, 0 डिग्री क्या होगा वो पॉइंट जहां पे वेयर, मैं लिख के बता रहा हूं, वेयर आवर प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर कट्स या मीट, कट या मीट ये कहते हैं, वो पॉइंट जहां पे इक्वेटर की लाइन यानी इक्वेटर की लाइन चल रही है ये वाली, ठीक है, और ये आपकी प्राइम मेरिडियन भी चल रही है, तो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर की लाइन एक ऐसे पॉइंट पे आपकी जॉइन करती है जहां पे दोनों आपस में मिलेगी, सेंटर पे बिल्कुल प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटोरियल लाइन जिस पॉइंट पे आपकी मिलेगी वो पॉइंट कहलाएगा हमारा द लाइन ऑफ जीरो, सॉरी द पॉइंट ऑफ जीरो, जहां से हमारे एंगल स्टार्ट हो, यहां से हमारे एंगल स्टार्ट हो, ठीक है, फर्दर ये बता दूंगा मैं आपको कि कैसे एंगल्स हमने देखने हैं, यहां तक आप इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। अच्छा, इसमें एक चीज बताने की ये है कि जो ये हमारी इक्वेटर लाइन है ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो हमारे नॉर्थ और साउथ की तरफ के जो एरियाज होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे साउथ और नॉर्थ, इसको हम कहेंगे पोलर ग्लोब रीजन या नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ, यानी इन दोनों को हम कहेंगे दिस इज आवर नॉर्थ पोल, दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल, या इन दोनों को अगर मान लिया कहेंगे दिस आर द पोलर रीजन, कैसे आपने सुना होगा पोलर बेयर, पोलर बेयर कौन सा बेयर है, कौन सा रीच है जो कि आपको नॉर्थ पोल या साउथ पोल यानी डार्कटिक की तरफ मिलेगा, यहां हमारे डार्कटिक है, या फिर आर्कटिक की तरफ मिलेगा, तो आर्कटिक और एंटार्कटिक ये हमारे पोलर रीजन है। अच्छा, जबकि अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर, इस इक्वेटर को आप इक्वेटोरियल रीजन्स कहेंगे, ठीक है, ये है आपके पोलर रीजन्स और नीचे वाले हैं इक्वेटोरियल रीजन जो आपके ईस्ट और वेस्ट की तरफ मौजूद होंगे, ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, ये हमारा पोलर रीजन है, तो पोल्स की जब बात आएगी तो पोल इज ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, इस पोलर अगर पोलर की बात आ रही तो पोलर में डू नॉट गेट कंफ्यूज, इसमें आप इक्वेटर को नहीं लाएंगे, ये हमारे पोल्स नहीं है, हमारे पोलर रीजन है सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ पोल, सो वी हैव टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। अच्छा, अब आ जाइए, ये तो हो गया। अच्छा, मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, व्हाट आर द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कि दे नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट इफ दे आर एक्सटेंडेड, अगर उन दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, जिस जहां तक बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, वो कभी भी किसी पॉइंट पे आगे इकट्ठी नहीं होगी। एग्जांपल मैंने दी थी ये दो लाइंस, एग्जांपल मैंने आपको दी ये दो लाइंस, ये दो लाइन ऐसी कि आप इसको एक्सटेंड करते जाएं
कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे वो पैरेलल का कॉन्सेप्ट आएगा। पैरेलल का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा कि जब हम जाते हैं इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ, जब जड़े सीधी जड़े मिसाल के तौर पे ये मैं जा रहा हूं यहां से ऊपर, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, इसको मैं मोटा कर देता हूं, इसका इक्वेटर लाइन। इक्वेटर से जब हम या इसको ब्लू कर देते ताकि आपको क्लियर हो, जब हम इक्वेटर से जाएंगे टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, जब इक्वेटर से जा रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ पोल तो लाइन इस तरह ड्रॉ होगी, ठीक है, फिर हम पोल की तरफ पहुंच गए। तो ये लाइन जो बन रही है, दीज लाइंस आर कॉल्ड, ये लाइंस क्या है हमारी, ये जो लाइंस है ये वाली हो गई या ये दो हो गई, ये लाइंस हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मतलब अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, ये मेरी अर्थ है और ये मेरा इक्वेटर है, इस इक्वेटर में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं तो लाइंस ये इस तरह बनेंगी, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई ऊपर, ठीक है। तो ऊपर ये जो लाइन आ रही है ये कहीं भी एक दूसरे से मीट, यानी ये लाइन इससे नहीं मिल रही, ये लाइन इससे नहीं मिल रही, ये लाइन इससे नहीं मिल रही, तो ये लाइन आपस में क्या है, दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, यानी इक्वेटर से इफ आई गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, वो जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक छोटा जो से कट कर रहा हूं मैं, ये लाइंस मेरी कहलाएंगी पैरेलल लाइन, मींस दे नेवर मीट ईच अदर, ठीक है। और दूसरी लाइंस कौन सी, जब मैं इक्वेटर से साउथ की तरफ जा रहा हूं और ये लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो ये लाइन भी क्या कहलाएंगी, ये लाइन भी पैरेलल लाइंस, यानी जब इक्वेटर से साउथ या नॉर्थ पोल की तरफ जाए, मीन हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से जब नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं तो वो लाइंस जो ड्रॉ होती हैं वो लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस, बिकॉज़ दे नेवर मीट ईच अदर, ये लाइन आपस में ये से नहीं मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी, ये बोल रहा है पार्ट के जगह पे दोबारा आ जाएगी। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा आपको कि वही अगेन मैं किलू की या दूसरी फांक से उसकी लाइन मैच नहीं मिलती, इन फांकों के एग्जांपल आप क्या लेंगे, दीज आर द पैरेलल लाइंस, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, और इनके दरमियान एक एंगल भी बन रहा होगा। देखिए अगर मैं इसको स्टैंडर्ड लूं, इफ आई टेक अ स्टैंडर्ड, तो ये इस लाइन पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी तरह इस लाइन को मैं लूं, इस लाइन से ज्वाइन करूं तो ये एक एंगल बन रहा है, इस लाइन को लेके ऊपर वाली लाइन से ज्वाइन करूं तो ये एक एंगल बन रहा है, सो मैं एंगल्स आर मेकिंग, हो सकता है ये 10 डिग्री हो, ये 10 डिग्री हो, ये आपका नजर नहीं आ रहा होगा, दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, तो ऊपर वाली लाइन में दिस माइट बी 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री और ये एग्जैक्टली क्या होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल पर बेसिकली, इसी तरह नीचे का भी ले सकते हैं, ये हमारा जो साउथ ईस्ट की तरफ बन रहा है वो भी एंगुलर सिस्टम बन रहा है, ठीक है, इसी तरह लेंगे तो ये भी एंगल सिस्टम बना रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि दीज लाइन आर द पैरेलल लाइंस, दीज लाइन आर द पैरेलल लाइंस, अगर मैं बात करूं कौन सी लाइंस की, दूसरी लाइन की बात करूं, ये है हमारा सर्कल अर्थ है, इस अर्थ को मैंने सेंटर से काटा, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, अच्छा इस पे जब मैं इसको यहां से लेकर यू ज्वाइन करता हूं, तो ये लाइन पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी, क्यों, इस सूरत में इफ
इक्वेटर की सूरत में ये लाइंस क्या कहला रही है? ये हमारी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अच्छा, इक्वेटर की सूरत में ये लाइंस क्या आ रही हैं? हमारी पैरेलल लाइंस, क्योंकि एक दूसरे से नहीं मिल रही। लेकिन पोल इस प्राइम मेरिडियन की सूरत में जब हम बात करेंगे तो ये लाइंस ऊपर जाके एक पॉइंट से मिल लेती है, यानी पोल्स पे जाके लाइन जैसे किलो की फांगे होती। कभी आप किलो की फांग किलो का छिड़काव करें तो आप देखेंगे सारे जो फांगे हैं वो ऊपर नीचे एक दूसरे पे एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है। सेम एग्जैक्टली इज द केस, ठीक है? तो एग्जैक्टली यही केस है। प्राइम मेरिडियन से जब आप प्राइम मेरिडियन की तरफ लेंगे तो इक्वेटर से लेंगे, इक्वेटर के लाइन जो पैरेलल होंगी दे नेवर मीट ईच अदर। लेकिन प्राइम मेरिडियन की तरफ जो पैरेलल, यानी प्राइम मेरिडियन, अगर ये प्राइम मेरिडियन लाइन है तो ये इसके साथ साथ चल रही, पैरेलल चल रही है। लेकिन ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि पोल्स पे जाके एक दूसरे से मीट कर रही है और एंगल वही बनेगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड लू यहां से जीरो तो आप एंगल देखें, ये इक्वेटर हमारा, फाइनल देखिए आप, ये हमारा 10 का बन रहा है, ये हमारा इस लाइन से मीट कर 20 का, ये 45 का, ये 60 का, ये 75 का और ये पूरा 90 है। इस एरिया में है। जैसे आपने यहां कैसे लिया था, दिस इज आवर 10, दिस इज 20, दिस इज 45, दिस इज 60, दिस इज 90। तो यहां पे जो ये एंगल बन रहा है, अब एंगल हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है? तो यहां तक मैं इसको क्लोज करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आपने फर्दर करना है।